सरों का। ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन का शुभारंभ, स्वच्छता कर्मियों को बांटी गई सेफ्टी किट, बाइक स्लिप होने से ब्लैक सिक्स होने से युवक गंभीर रूप से घायल, आनन फानन में मरीजों को भेजा गया अस्पताल। सात पेयजल की स्थिति बद से बदतर, नल जल योजना के नाम पर धोखा। बच्चों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़, बिना किसी छुट्टी के विद्यालय रहता है बंद। मामले की जांच के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। एससी एसटी मामले में शराब कारोबारी गिरफ्तार, अपराधियों को लिया गया न्यायिक हिरासत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। खबर बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर के शिवगंज नागेंद्र तिवारी मुख्य मार्ग से एक बाइक के स्लिप हो जाने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए घायल को बेतिया रेफर कर दिया। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां नरकटियागंज के ओवारी गांव के एक गांव में 8 लोग मछली खाकर बीमार हो गए और उनको पेट दर्द व उल्टी दस्त की शिकायत हो गई, जिसमें से 6 लोगों को हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अनुमंडली अस्पताल नरकटियागंज में लाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गांव में मतलब कि एक ही फैमिली में खाना खाने से 3 दिन से 6 पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, फीवर आ रहा है और पेट में दर्द है। उन लोगों का इलाज सब इंडियन हॉस्पिटल नरकटियागंज में इमरजेंसी वार्ड में हो रहा है। क्या कंडीशन क्या है पेशेंट? कंडीशन अभी सबका ठीक ठाक है, बाकी हम लोग जांच करा रहे हैं, ब्लड को भेजा जा रहा है, पता चले कि आखिर क्या हो। यही हुआ है कि हमारे घर पे एक फंक्शन था, पुजारी जी का फंक्शन था, उसी में मछली चावल सभी लोग खाया है और मछली चावल खाने के दौरान सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग और उल्टी वगैरह फीवर ओवर हुआ है, इसलिए हम लोग सरकारी अस्पताल में आए हैं और डॉक्टर द्वारा हमारा इलाज चल रहा है। अभी ये लोग सब 8 लोग हैं, सभी का इलाज हो रहा है। कहाँ का मामला है ये? केवनिया रोवारी पंचायत की मामला है और अभी हम लोग नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के सरकारी हॉस्पिटल में आए हुए हैं, यहीं पे हम लोग का इलाज है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जहां के महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चल पेयजल की स्थिति बंद से बदतर होती नजर आ रही है। वहीं इस मामले को लेकर कई बार बिहार सरकार के मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में इस योजना की जांच कराई गई, लेकिन अधिकारियों ने मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो भी जाँच की प्रक्रिया होती है वह कार्यालय से भी हो जाती है और धरातल पर कोई जाँच नहीं होती। उसके बाद एस्टीमेट बनवाएंगे, एस्टीमेट से होने वाला तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। क्या आपको लगता है? तो उम्मीद कहाँ है कि होगा। वीडियो मैडम पे क्या उम्मीद है, मतलब कि होने वाला आश्वासन के हिसाब से होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा वीडियो मैडम से। क्या आपको लगता है? नहीं होगा तो क्या होता है? वीडियो मैडम कर सकती है कि नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है, एक साल बीत गया, कब करेगी? चाची रुआ, नल जल के पानी मिला ला? कहाँ नल जल के पानी अभी चलता है, चली तो नहीं। कबो आज एक साल से ज्यादा हो गए लगल है, कबो मिले लगी ना पानी? एक साल से काय हो गए, दो साल तो कबो पानी रुआ भरले पानी मिलल बा गई बा कि ना? आज तक कभी कभी नहीं कर मिलो। कौन गांव है? कौन गांव है? वार्ड नंबर कितना है और कौन नंबर वार्ड में घर बा? 9 नंबर। हमार भीम ठाकुर। कौन नंबर वार्ड में रहो घर? 9 नंबर। कौन पंचायत? सुजीतपुर पंचायत। सही बताए, जल नल के रोल पानी मिले ला? कहियो ना, पानी के तो पानी पाइप का लग नहीं के गो पाई, 3 गो के जगह पे 1 गो लागल। आज तक अभी पाइप नहीं के मतलब पाइप कौन हुई थी? टंकी उंकी लागल बा? टंकी उंकी
अच्छा ये जांच कितना हो ये वार्ड नंबर कितना हो यहाँ रुआ जल नल के पानी मिले ला ना कितना दिन से जब से लागल बताओ का चाहत नहीं रुआ आज ले पानी नहीं कम चाहत नहीं चलो जब से हलल बताओ से पानी नहीं के मिले रुआ व्हाट्सएप से ना कहनी रुआ ये बात या व्हाट्सएप से कहला ना का कहलन व्हाट्सएप अब हार गलन तब काथी कहनी तब नौका व्हाट्सएप से रुआ ना कहनी हो कहनी तो ना का कहो व्हाट्सएप बोलन जे होई कब होई खबर पश्चिम चंपारण बितिया से, जहां सरकारी विद्यालय जो बिना किसी छुट्टी के भी बंद पाया जाता है। बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते हैं और खेल कर वह घर वापस चले आते हैं। शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल हमेशा बंद ही रहता है, जब शिक्षा मित्र आते हैं तो पढ़ाई होती है। कई बार इनकी जाँच भी हुई पर सिस्टम में कोई भी बदलाव नहीं देखने में आया। कुछ नहीं बताए। कौन सर का नाम है? ब्रिजेश। कहाँ का रहने वाला है? वो उधर वो टोला है ना, मोड़ लग रहा है ना, वहीं के रहते हैं। तो स्कूल आज छुट्टी है कि बंद है ये नहीं बताए हैं। ये कौन सा पंचायत है? जोगिया पंचायत। ये विद्यालय कौन सा है? ये प्राथमिक विद्यालय बहुरी देवराज। क्या पोजिशन है? आज तो बंद ही नहीं है, लेकिन स्कूल में ताला बंद दिखाई पड़ रहा है। सर अकेले हैं, एक सर आए हैं, दिवाकर सर आते नहीं है। अब हो सकता है किसी काम से कहीं गए हो ऑफिस के। इनका पास ही में घर है, वहीं से आते जाते रहते हैं। वो पढ़ाई चलता है रेगुलर? इसमें रेगुलर तो अभी नहीं देखे हैं, फिलहाल आज भी बंद है। खबर पश्चिम चंपारण बितिया से, जहां नरकटियागंज शिकारपुर पुलिस ने एक शराब कारोबारी को दो लोगों को SC/ST मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि तीनों गिरफ्तार व्यक्तियों को कागजी कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। खबर बितिया से है, जहां रामनगर थाना परिसर में लगे जनता दरबार के दौरान SDM अनुपमा सिंह कई जमीनी विवाद को लेकर सुनवाई की है और जमीनी संबंधित मामलों में तीन विवाद को सुलझाया। वहीं अन्य जमीनी विवाद को जो न्यायालय में लंबित है, जिसमें कि एकाजी का टाइटल सूट केस चल रहा है, वैसे मामले में कई पक्षों को सुनवाई के लिए समय दिया गया। वहीं इस दौरान मौके पर रामनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्यनारायण राम, थाना अध्यक्ष अनंत राम उपस्थित रहे। एक प्रमुख का भी मामला आया था यहाँ, प्रमुख का, प्रखंड प्रमुख का मामला भी आया था। हाँ, उनका भी यही है कि उनका टाइटल सूट चल रहा है, तो उनका फैसला आने वाला है 7 दिसंबर को, तो उनको तब तक के लिए वेट करने के लिए बोला गया है। खबर मुजफ्फरनगर से, जहां भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई चल रही है। दरअसल बिहार में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने एक भ्रष्ट अधिकारी पर अपना शिकंजा कस दिया है, जिसने ठिकानों पर खंगाला जा रहा है। वहीं इस मामले में बताया गया कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के तिरहुत प्रमंडल के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल प्रशांत कुमार कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। हालांकि विजिलेंस अधिकारी की माने तो मुजफ्फरपुर में अब तक कुछ नहीं मिला है। क्या कुछ मिला अभी? तो ऑफिस कार्यालय में कुछ नहीं मिला है। सर अभी छापेमारी जारी है? जारी है सर। तो ऑफिस में आए हैं, यहाँ पर क्या कुछ मिला? यहाँ कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला आवास का टीम अभी थी? कुछ इसकी जानकारी नहीं है, शाम तक अपडेट हो जाएगी।
लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हम खबरों में हाजिर होंगे। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। के बाद आपका स्वागत है। खबर फिर 35 से है, जहां पारिवारिक कलह और पुरानी रंजिश को लेकर अपराधियों में चाचा और भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर थाना प्रभारी सहित 5 थानों की टीम मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर रोहतास से है, जहां विक्रमगंज और नासरीगंज सहित जिले के विभिन्न प्रखंडों में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने जमकर राशि भुगतान नहीं किए जाने पर जमकर प्रदर्शन किया है और धरना दिया है। सहारा इंडिया प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जब इस मामले को लेकर सहारा रीजनल ब्रांच ऑफिसर रीजनल मैनेजर से बात हुई की गई तो उन्होंने बताया कि मामला न्यायालय के अधीन है और न्यायालय का जो निर्णय सामने आएगा तभी भुगतान किया जाएगा। से भी विवाद के लेकर के अभी भुगतान में थोड़ी समस्या हो रही है। कोर्ट में मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा संस्था अपना भुगतान करेगी। संस्था इसलिए लड़ रही है। अब प्रोटेस्ट करने वाले को हम क्या कहेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अपने ही बीच के लोग भी हैं जो कि संस्था में पहले काम किया और आज के डेट में भय भ्रम भ्रांति, जबकि संस्था भुगतान करने के लिए कटिबद्ध है और भुगतान भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का निदान आएगा सब सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान किया जाएगा। खबर सहसरा से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तार के पास से पुलिस ने लूट के 10,000 नकद और 2 मोबाइल, 2 बाइक और 1 किलो 300 ग्राम चरस बरामद किया। वहीं इस मामले में DSP ने लूटकांड का प्रेस वार्ता की कर इसको जानकारी दी। 9 नवंबर को संध्या 7 बजे कैरा ब्लॉक के आगे एक गोदाम है, उसके पास 2 बाइक सवार थे, इसमें 4 अपराधकर्मी थे सवार। चारों ने मिलकर के एक प्रशांत कुमार, जिनके पिता का नाम हत्तो प्रसाद यादव, महारथा वार्ड नंबर 8 सदर थाना के अंतर्गत रहने वाले हैं, उनसे 3,000 रुपये उनके पास था, उसकी लूट 30,000 रुपये और नगद और सिल्वर रंग के एक ओप्पो मोबाइल जो है वो छीन लिया था। खबर पश्चिम चंपारण बीतिया से के रामनगर से, जहां रामनगर पंचायत राज सभ्या के ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर स्वच्छता कर्मियों को कूड़ा उठवाओ हेतु रिक्शा, ड्रेस, सर्टिफिकेट किट का वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर प्रखंड समन्वयक, पंचायत सचिव और पंचायत तकनीकी सहायक के साथ कई लोग मौजूद रहे। पंचायत के सहस्ता बानू जी के, हमारे जो मुखिया हैं उनके सौजन्य से आज लोहिया स्वच्छ अभियान का हम लोगों ने उद्घाटन किया।
और यहाँ कचरा प्रबंधन में हरी झंडी दिखाकर सभी कचरा प्रबंधक जो चालक हैं उनको हम लोगों ने यहाँ रवाना किया। गांव-गांव से ये कचरा का कलेक्शन करेंगे और इनको अपशिष्ट में डालेंगे। का लोहिया शौच जो योजना है बिहार सरकार का, उसका मैडम प्रमुख निहारिका नूतन जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और सभी ठेला रिक्शा और ई रिक्शा और कल से काम तो 2 महीना पहले से चालू है हमारे पंचायत में, लेकिन कल से एकदम सार्वजनिक ढंग से पूरा काम कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। खबर पटना से, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और कहा कि बिहार ज्ञान की धरती है और आज मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन के मौके पे जो आप लोग शिक्षा दिवस मना रहे हैं उनकी शुरुआत हम लोगों ने 2007 में किया। मैंने अनुरोध किया कि भाई हम लोग तो यहाँ कर रहे हैं और मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की याद में शिक्षा दिवस मनना चाहिए, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और आपको मालूम है कि 2008 से पूरे देश में उनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है। खबर नालंदा से है, जहां राजगिरी रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों ने एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद आनन-फानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। डिप्टी से लौट कर आए, अपने घर पर गाड़ी लगाए और नित्यदिन के भराती उस सब्जी लेने के लिए मार्केट जा गए थे। मार्केट से सब्जी भी लेकर आ रहे थे, करीब लगभग 7 बजे के समय था संध्या। उस समय कुछ लोग व्यक्ति ने इनको धारदार हथियार से पीछे से वार करके हत्या कर दी गई। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद फिर से खबरों को जारी रखेंगे। आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेच, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवादा में सूदखोरों से परेशान परिवार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मृतकों के पास से सुसाइड नोट बरामद किया, जिसके आधार पर सभी देनदारों से थाने में पूछताछ की जा रही है। मैं कॉल किया था अपने भाई को, तो वो बोला था कि भैया ऐसा कोई बात नहीं पापा, लेकिन हमेशा बोलते रहते थे कि इतना इतना कर्जा हो गया 10 से 12 लाख रुपया से ऊपर लगभग में, और सब लोग धमकी देता है। और जहाँ तक कि हमें भी पता चला है कि उल्टा सीधा बोल रहे थे कि भाई बहन को उठा कर ले जाएंगे, धमकी देता था, गाली गलौज दुकान पे आके सामान उमान सब लेता था। कौन था वो लोग जो बोलता था उठा के भाई बहन ले? उसमें से सिर्फ एक ही वो का जानते हैं जिसका नाम है मनीष सिंह।
हरिकोण पंचायत के मुखिया हीरानंद विद्यालय का औचक निरीक्षण कर छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में स्कूल प्रशासन से जानकारी ली है। तो वहीं स्कूल के प्रबंधिका ने मुखिया के खिलाफ थाने में जबरन जांच पड़ताल और रिश्वत मांगने के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही मुखिया ने शिक्षा विभाग और प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच की गुहार भी लगाई है। 19 तारीख को भी कोई मारपीट नहीं हुई थी, उसके बाद मुखिया जी हमारे 20 को भी आए हैं, उस दिन भी कोई बातें नहीं हुई और न किसी शिक्षक से मुखिया जी की गाली गलौज कभी नहीं। 19 तारीख को रजिस्टर लेने के क्रम में शाम में हुई है सर। क्या गाली दी है मुखिया जी? नहीं, मुखिया जी गाली नहीं दिए, वो वीडियो बनाते हुए गए थे, रजिस्टर मांग रहे थे, जो कि वीडियो आज भी वायरल है। कानून से मुखिया को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह स्कूल की व्यवस्था सही चल रही है कि नहीं, नियमित रूप से टीचर आ रहे हैं कि नहीं, समय से सही से पढ़ाई हो रही है कि नहीं, मिड डे मील की क्वालिटी सही है कि नहीं, इन सबों का निरीक्षण करना मुखिया, पंचायत समिति, शायद जिला परिषद, सबका यह अधिकार क्षेत्र में आता है कानून से, और इसी कानून के आधार पर मैं निरीक्षण करने गया हूँ, गया था और जाऊँगा। जांच करने का एक सही तरीका होता है, आप आकर के सही तरीके से बैठिएगा, बात कीजिएगा, आप दबंगे ही नहीं कर सकते हैं। ये सरकारी संस्थान है, वो भी शिक्षा जगत है, आप वहाँ आके एकदम गमछा डुलाते हुए आपके मुँह में पूरा तिरंगा गुटखा भरा हुआ है उस तरह से आप कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। आप आइएगा, ढंग से बात कीजिएगा, हल्ला कीजिएगा। वैसे लोग जो कि बार बार विद्यालय को आके मतलब हल्ला हंगामा मचा रहे हैं, उन लोगों के साथ आप आके हल्ला हंगामा घुस जाना सरकारी काम में व्यवधान, ये कहीं से भी उचित नहीं है। खबर नवादा से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के लाल चौक के पास एक कैदी युवक हथकड़ी में हाथ छुड़ाकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि नगर थाने की पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद आरोपी को नवादा न्यायालय में पेशी के लिए लाया जा रहा था, तभी लाल चौक के पास चोर पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी छुड़ाकर भाग निकला, जिसके बाद पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। तो कल है पकड़ाया था, अच्छा आप पकड़ाया तो कहा हम भोरे कहें सर बीएपी भेजी जाए, अपना गाड़ी दीजिए, तो ले जाइए, ठीक है, तो हम ले ले रहे थे, जब तो वो सिपाही वहाँ बैठा था, हम यहाँ बैठे थे, और क्या किया का मछिया बोल लिया, फोन आ गई, हम ध्यान नहीं दिए, बाकी रसवा धीरे धीरे से नहा करके हम मेरे देख लेते हैं, वो बड़ा तेरा पूछा भी पहुँच गई सिपाही मैंने, हाँ आज कैसे हथकड़ी लगाते हैं आप लोग, हथकड़ी लगले है, हथकड़ी लगले है, रसवा निकाल दिया चक्कर के, ऐसे करके खोल के चला गया। फिलहाल बिहार की खबरों बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर, न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम, निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम